राजीव जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही, पर अनम्यूट करके बात करें। आप म्यूट हो रखे हैं, अनम्यूट करो पहले अपने आपको। अब से अब स्टॉप वीडियो करो। ठीक है, अब स्क्रीन पे जाओ। स्क्रीन था ना, अरे स्क्रीन था ना आपका ये। हाँ, आवाज आ रही है अभी सभी लोगों को? हेलो बिल्कुल हेलो, बिल्कुल, बोलिए। आ रही आ आवाज। रही है। आज हम डिस्कस करेंगे वैसे जनरल मैथमेटिक्स, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। उसमें कुछ सीएमएस के टॉपिक्स राजीव जी, अरे बंद राजीव जी, जी। आपका वीडियो बंद कर लो तो शायद आपकी आवाज सही आएगी। थोड़ा क्या आवाज बफरिंग हो क्या रही है? तो सिलेबस में पहला टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेशन। ऑल यू नो दैट अरिथमेटिक ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जिसमें आप जानते हैं गुणा मास रूल। इस रूल के तहत हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, वेरी इजी। तो इसमें ज्यादा कुछ समय देने की जरूरत नहीं है। आगे हम आते हैं स्टैटिकल ऑपरेशन। ये कई लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, थोड़ा बहुत रिमाइंड करने की मुझे जरूरत है। स्टैटिकल ऑपरेशन मीन्स मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। मीन क्या होता है? मीन मीन्स एवरेज। मीडियन, मीडियन मीन्स अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं उसको अरेंज करेंगे तो मिडिल टर्म इज मीडियन। एंड मोड, मोड मीन्स हिंदी में कहते हैं बहुलक, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए। एंड रेंज, मैक्सिमम नंबर्स माइनस मिनिमम नंबर, दैट इज कॉल्ड रेंज। एक एग्जांपल है, फाइंड मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग नंबर। आप लोग सभी एक नोट्स रखें, उसमें जो जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसे ट्राई टू सॉल्व इट। हेलो, नंबर्स है 12, 7, 14, 5, 7, 11 एंड 9। एंड प्लीज मीन, मीन कैसे? जस्ट लाइक एवरेज, सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल्स नंबर। तो सम करेंगे सारे नंबर का, 12, 7, 14 समथिंग करके 65/7 क्या आंसर आएगा? 9 point something, 9 point something, 9 point जो भी समथिंग, यू कैन फाइंड आउट, वेरी इजी। मीडियन मीन्स मिडिल टर्म आफ्टर अरेंजिंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या आएगा? 5 आएगा, 7, देन अगेन 7 एंड 7, देन 9, फिर 11, 12 एंड 14। तो देन मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मीन्स फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है, कौन सा आंसर होगा? एनीबडी? नाइन भट्टी जी आंसर? नाइन यस यस, 9 9। लेकिन ए हम इजीली इसलिए फाइंड आउट कर पाए क्योंकि देयर आर टोटल 7 टर्म्स, तो फोर्थ टर्म इज मिडिल टर्म। इफ नंबर्स आर इन इवन, मीन्स 7 की जगह पे 8 रहता, इसमें आप ऐड कर लीजिए। अगर ये इसमें क्वेश्चंस में अगर इसके बाद 16 रहे, 16, तो आप बताएं कि क्या होगा मीडियन? कोई बताएगा? अगर इसी में एक 16 नंबर्स हो, मीन्स टोटल 8 नंबर, देन हाउ फाइंड आउट मीडियन? एनीबडी टेल मी, आप निकाल लोगे?
ये होमवर्क रखना, 12, 7, 14, 5, 7, 11, 9 एंड 16, देन व्हाट इज मीडियन। ओके, और मोड, मोड मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अकर्स। इसमें कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आ रही है? सेवन। यस, तो आंसर इज सेवन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में पूछ सकता है, डोंट टेक इजिली मीन मीडियन मोड, आंसर इज सेवन। रेंज मीन्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मीन्स आंसर क्या होगा? हमने आंसर नहीं लिखा है, आप लोग आप लोग को बताना है। नाइन, हाँ, 14 माइनस 5 इज 9। तो इसको आप एक रिविजन करना, और जो हमने इवेन नंबर दिए हैं मीन्स 8 नंबर, ये आपका होमवर्क हुआ। मे बी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसका मीडियन पूछा जा सकता है। इसमें क्या करते हैं हम 8 नंबर जो भी हैं उसको अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन मिडिल टर्म मीन्स चौथे और पांचवें को एवरेज करेंगे, मतलब फोर्थ नंबर प्लस, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 प्लस 11 बाई 2 मीन्स 10, आंसर इज 10, मीडियन इज 10, मैंने आंसर बता दिया। देन नाउ कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स इन ASTLDC एग्जाम इज फंक्शन, फंक्शन एंड इट्स ग्राफ। तो फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन, वैलिड मशीन इन विच आउटपुट कम व्हेन इनपुट इज गिवन। और इसको मैथमेटिक्स की भाषा में क्या, एक्सप्रेशन और रूल ऑफ लॉ दैट डिफाइन विद बिटवीन इंडिपेंडेंट वन वेरिएबल एंड डिपेंडेंट अनदर वेरिएबल, दोनों के बीच रिलेशन को डिफाइन करता है। इट इज डिनोटेड बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो नाउ टाइप ऑफ फंक्शन, सम टाइप ऑफ फंक्शन हम डिस्कस करना चाहते हैं, और उसका ग्राफ। ग्राफ क्यों? क्योंकि उससे उसके नेचर के बारे में पता चलता है। नेचर मीन्स किस प्रकार से ग्राफ जा रहा है, क्या उसका शेप है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, उसका रेंज क्या है, उसका डोमेन क्या है। तो देन आपको एक ग्राफ से ज्यादा क्लियर होता है, आपकी सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन ग्राफ से क्लियर हो जाती है। तो फर्स्ट इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन बाई इक्वल टू के मीन्स 2, 3, 4, 5 समथिंग। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और के डिस्टेंस, मतलब 2, 3, 4 जितना रहे तो के पे ग्राफ रहेगा ये। और आपके ASTLDC एग्जाम में पूछा हुआ है कि कुछ फंक्शन आप बताएं जिसका शेप क्या होगा या किस प्रकार से है। तो एक कैसा है? कॉन्स्टेंट फंक्शन है, लीनियर है, लीनियर भी जीरो स्लोप। ओके, आप लोग सुनाई दे रही है आवाज? यस यस सर। ओके ओके, लीनियर भी जीरो स्लोप। इसका डोमेन और रेंज अगर पूछा जाए, आप लोग पढ़े होंगे 12th में, डोमेन क्या है? डोमेन मींस एक्स एक्सिस, मींस माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, ये डोमेन हो गया। रेंज, रेंज इज ओनली के, रेंज मींस बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पे कहां पे है? के पे। अगर बाई इक्वल टू 2 है तो ये 2 रहेगा, मीन्स डोमेन क्या रहेगा? माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एंड रेंज इज ओनली 2। ओके, किसी को डाउट हो आप पूछ सकते हैं। देन स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे आपको बिलीव नहीं होगा, ASTLDC के एग्जाम में पूछ चुका है। इसका ग्राफ कैसे होगा? समथिंग ऐसा। एक शेप क्या है तो बता सकते हैं क्या, कौन सा शेप है? पैराबोलिक, एस एस पैराबोलिक, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। इसका डोमेन, डोमेन क्या होगा? एक्स एक्सिस मींस माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, रेंज क्या है? 0 to infinity। तो ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि शेप क्या है, क्या डोमेन है, क्या रेंज है, किस टाइप का फंक्शन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1, 2, 1, 1, many, 1 इस टाइप की फंक्शन। तो ये आपको बता रहा है इसका क्या नेचर है। तो माइनस इनफिनिटी से जीरो तक डिक्रीजिंग है, जीरो से इनफिनिटी तक क्या है? इंक्रीजिंग है। देन मॉडुलस फंक्शन,
मॉडुलस कैसे डिफाइंड होता है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो निगेटिव में हो, एक्स निगेटिव हो तो भी पॉजिटिव आएगा इसका आउटपुट, और पॉजिटिव हो, ऐसा मशीन है जिसमें एक्स निगेटिव हो तो भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा ही। उस ग्राफ कैसा है, ऐसा। इसका शेप बताएं, कौन सा शेप है, पूछा जा सकता है, क्या शेप है, वी शेप, वी शेप है, और इसका डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, रेंज जीरो टू इंफिनिटी, और चूंकि यहां पे कॉर्नर बन रही है, यहाँ पे ये सब भी टर्म सुना होगा, नॉन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस है ही, नॉन डिफरेंशिएबल, यानी ग्राफ से आप सब कुछ जान सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, डोमेन, रेंज, क्या इसका शेप है, तो y इक्वल टू मॉड एक्स, लीनियर फंक्शन, y इक्वल टू एक्स, कुछ ग्राफ कैसा होगा इस टाइप से, इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, रेंज भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, विथ स्लोप वन। अनदर एग्जाम्पल, y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, ये भी लीनियर है, x और y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, आप जरा बता सकते हैं कोई, x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, एनीबडी, y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री में एक ग्राफ मैंने ड्रा किया है, x एक्सिस और y एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट करेगा, कोई बता सकते हैं, माइनस थ्री बाई टू, कौन से एक्सिस पे, माइनस थ्री बाई टू, क्या है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे माइनस थ्री बाई टू, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे माइनस थ्री बाई टू पे, नेगेटिव एक्सिस पे माइनस थ्री बाई टू, एक्स एक्सिस पे माइनस थ्री बाई टू, वाई एक्सिस पे थ्री, हाँ ओनली थ्री, थ्री माइनस थ्री, ओके। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीजें पूछा जाएगा आपसे, और सिलेबस में बिल्कुल मेंशन है फंक्शन एंड इट्स ग्राफ, तो फंक्शन से भी आपको भली भांति परिचित होना है और उसके सम इम्पोर्टेंट फंक्शन के ग्राफ से भी, और अगर इसी का मॉडुलस निकालने को, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री, इसका ग्राफ कुछ कैसा होगा, तो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो इधर से तो देखिए माइनस थ्री बाई टू से आगे तो पॉजिटिव है ही, इधर नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा, ये जो है ये पार्ट कट हो जाएगा और इसका मिरर इमेज हो जाएगा, मींस ग्राफ कैसा होगा, ये माइनस थ्री बाई टू तक डिक्रीजिंग और देन इंक्रीजिंग, कुछ ऐसा वी शेप में, मॉडुलस का हमेशा वी शेप में होता है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। पूछा जा सकता है टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ का शेप क्या होगा, या कब तक डिक्रीजिंग है, या फिर एक्स एक्सिस कहाँ पे टच करेगा, कुछ ऐसा ग्राफ चार हो सकता है, ऑप्शन ए बी सी डी, और आपको निकालना है, आपको एक इसमें चूज करना है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है ना, मॉडुलस टू एक्स प्लस थ्री आप अपने कॉपी में ड्रा कर सकते हैं, बाद में होमवर्क में ड्रा कीजिएगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक एग्जांपल मैंने लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 18, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या शेप होगा, पैराबोलिक, जैसे एक्स स्क्वायर का था, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ग्राफ ड्रा करने नहीं बोलेगा, लेकिन आपको ग्राफ ड्रा करने पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उसका नेचर सब बता सकते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले उसके रूट्स निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस 18 इक्वल टू जीरो, तो क्या रूट आ गया, थ्री एंड सिक्स, थ्री एंड माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स एंड थ्री पे क्या होगा, एक्स इसको टच करेगा, चूंकि रूट्स मीन्स क्या, इसको टच करना, और y एक्सिस कहाँ टच करेगा, मीन्स एक्स जीरो हम करेंगे, क्या रहा माइनस 18, तो कुछ ग्राफ का शेप ऐसा है, तो दो रूट्स हैं माइनस सिक्स और प्लस थ्री, शेप क्या है, पैराबोलिक, चूंकि ये पूछा हुआ एग्जाम में कि क्या शेप है, तो आपको शेप तो जरूर ध्यान रखना है, और उसके साथ अगर इसका डोमेन रेंज, देखिए डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ग्राफ आगे जाएगा, और रेंज क्या है, माइनस 18 टू प्लस इन्फिनिटी, रेंज क्या है इसका, अगर रेंज बताना चाहें तो उस दे रेंज, तो क्या होगा, माइनस 18 से, माइनस 18 से आगे, माइनस 18 टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस 18 टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, पूछा जा सकता है रेंज।
डोमेन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। कभी कभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1 बाई एक्स, उसका शेप क्या होगा वो बता सकता है? 1 बाई एक्स कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे? तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई है और एक्स एक्सिस। देखिए एक्स का ग्राफ आपने खींचा होगा पहले, ये देखिए वाई इक्वल टू एक्स का ऐसा कुछ है ना, इसी का उल्टा करना है। उल्टा करना मीन्स कैसा होगा, ये चूंकि जीरो को टच कर रहा है इन्फिनिटी है, मीन्स समथिंग ऐसा होगा, ये नीचे ऐसा जो मैं ब्लू लाइन से खींच रहा हूं वही ग्राफ होगा। y इक्वल टू वन वाई एक्स, किसका है? y इक्वल टू वन वाई एक्स। तो शेप क्या है इसका? एसिम्प्टोटिक। नोट कर लें प्लीज, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, y इक्वल टू वन वाई एक्स का शेप क्या है? एसिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोटिक ग्राफ है। y इक्वल टू वन वाई एक्स स्क्वायर, वो शेप ऐसा होगा लेकिन एसिम्प्टोटिक ही होगा। कैसा होगा एक्स स्क्वायर का? अब देखिए एक्स स्क्वायर का कुछ ऐसा था और उल्टा उसका करना है तो कैसा होगा? कुछ ऐसा। रहेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में ही इसका ग्राफ, लेकिन ये भी क्या है? एसिम्प्टोटिक। तो रिवर्स रहा है तो उसका आंसर एसिम्प्टोटिक लगाना है, ऑप्शन में एसिम्प्टोटिक रहेगा, एसिम्प्टोटिक लगाना है। ओके, ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल का भी शेप जान ले, वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स। देखिए एक्सपोनेंशियल क्या है, ऐसा कहां पे टच करता है वाई एक्सिस को? वन पे, पूछा जा सकता है क्यों? एक्स इक्वल टू जीरो रखने पे वाई का मान वन आएगा, एक्सिस को टच नहीं करेगा, यहां नीचे टच करता हुआ प्रतीत होगा पर करेगा नहीं एक्सपोनेंशियल। देन ट्रिगोनोमेट्रिक साइन कॉस टैन ये सब, तो साइन कॉस क्या है? माइनस वन से वन के बीच में क्या मैक्सिमम वैल्यू है? वन, नीचे माइनस वन, इसके बीच लाई करेगा आपको साइनोसोइडल टाइप का होगा। साइन एक्स का जीरो पे जीरो, नाइनटी पे वन, वन एटी पे फिर जीरो, माइनस नाइनटी माइनस वन, माइनस वन एटी पे अगेन जीरो, तो कुछ साइनोसोइडल टाइप का होगा। ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, इसका डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या है बताएंगे कोई? एनीबडी, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स? माइनस वन टू वन, यस माइनस वन टू वन, ऐसा ऑप्शन में पूछा जा सकता है, माइनस वन टू वन। और अगर हम मॉडुलस लगा दें तो इसका रेंज क्या होगा? फ्रिज में रख दे मॉडुलस, मॉड ऑफ साइन एक्स, इसका रेंज कोई बताएगा? जीरो टू वन हो जाएगा, जीरो टू वन, जो भी निगेटिव में है वो मिरर इमेज बन के ऊपर चला जाएगा, मतलब एक ये नहीं रहेगा, ए वाली निगेटिव ए ऊपर चली जाएगी, ऐसा कुछ टॉयलेट का है जा ले ना हाथ से ले यार, इस टाइप से, इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा। तो रेंज क्या होगा? जीरो टू वन, जिन्होंने बताया बहुत अच्छा। ऐसा ही कॉस एक्स का बना सकते हैं, तो आप घर पे होमवर्क कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ एसटी के एग्जाम में, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई टू पावर एक्स, डिफरेंशिएशन सबने पढ़ा है, बस यह है कि उसका फॉर्मूला और कैसे क्या करते हैं याद रखने की जरूरत है। तो इसका आंसर आप बताएं, मैंने नहीं बनाया आपके लिए छोड़ा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई टू पावर एक्स, क्या आंसर होगा? 2x plus cos x plus e is 2x. Okay, बिल्कुल सही। और अगर हम यहाँ माइनस कर दे तो ई टू पावर माइनस एक्स रहे तो क्या आंसर होगा? 2x plus cos x minus e to the power minus x. Yes, sir. और ई टू पावर माइनस टू एक्स रहे तो 2x plus cos x minus 2 power minus 2x. ई टू पावर माइनस टू एक्स, ओके माइनस टू ई टू पावर टू एक्स, मत करना पड़ता क्या ये कुछ ऐसा
एग्जाम्पल दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं एएचटी के क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है, तो आपको डिफरेंशिएशन पूछ सकता है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछ सकता है, कंटिन्यूटी पूछ सकता है, डोमेन रेंज पूछ सकता है, आपका शेप पूछा जा सकता है, तो आपको ग्राफ बिल्कुल आना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स देन आफ्टर ई टू पावर एक्स और जो हमने बताया है देखिए पीछे मॉडुलस एक्स स्क्वायर, ये सबका ग्राफ पूछा जा सकता है। कुछ और हम इंपॉर्टेंट फंक्शन का ग्राफ बता देते हैं क्योंकि आपका सिलेबस 12th लेवल तक है और 12th में सब पढ़ना है तो मैं भी पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा है पर पूछा जा सकता है। फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके किसी ने सुना है अभी पढ़ा है, पढ़ा होगा सबने, डिनोटेड बाई दिस बड़ी इस टाइप के ब्रैकेट में एक्स बाय इक्वल टू, इसका मीन्स अगर एक्स एन से एन प्लस वन के बीच में है मीन्स यह स्मॉलेस्ट वैल्यू लेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, माना कि आपको यह है कि बाय इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मीन्स एक्स अगर 2.5 है इसका आंसर क्या आएगा, अगर एक्स 2.5 है तो क्या आंसर आएगा बाई का, कोई बताएंगे x 2.5 है तो बाई का आंसर क्या आएगा, बाई क्या होगा लिस्ट वैल्यू लेगा मीन्स 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2, आंसर क्या होगा 2। अगर x इक्वल टू 0.7 है, 0.7 है x इक्वल टू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, पॉइंट सेवन लाइज बिटवीन 0 to 1, पॉइंट सेवन लाइज बिटवीन 0 to 1, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा स्मॉल वाला कौन सा 0, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कह सकते आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में 12th तक का है, अगर कहीं लिख दिया है फंक्शन एंड इट्स ग्राफ मींस आपको कुछ ग्रेट इंटीजर लिस्ट इंटीजर ये सब भी एक बार देखना होगा, तो क्या आंसर होगा 0.7 का 0। हमें ग्राफ भी नहीं जाते मैंने ड्रा कर दिया है, लेकिन आपको इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा डिटेल में बताओ सर, समझ में आ नहीं रहा। अच्छा समझ में आ नहीं रहा है, ओके ओके नहीं आ रहा। ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस टेकिंग लिस्ट वैल्यू, माना कि जैसे देखिए एक एक इंटीजर ये है n है दूसरा n प्लस वन है, तो x का वैल्यू अगर n और n प्लस वन के बीच में रहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान क्या होगा n मीन्स अ स्मॉल वैल्यू, जैसे 2 to 3 मीन्स देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, y इक्वल टू ये कुछ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर x कुछ 2 से 3 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में है, x 2 और 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा 2 आएगा, ओके 3 से 4 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, छोटा वाला नाम नाम जो है उसका उल्टा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है पर स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है, ओके जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा मीन्स माना 4.8 है, 4.8 का स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है, 4 है या 5 है, क्या है 4, आंसर आएगा 4, आपको ऑब्जेक्टिव इसी टाइप का आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.9 क्या आंसर होगा 5, yes. यही लिस्ट इंटीजर देखिए इसका उल्टा है, लिस्ट इंटीजर ऑफ 5.9 क्या आएगा बड़ा वाला 6, क्या आएगा 6, कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं आप बताते जाओ है ना, मीन्स 3.5 x 3.5 है तो आप बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा मीन्स ऐसा आपको इससे पहचानना है, ऐसा लिखा भी रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे पहचानना है, बड़ी ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर
ऑफ एक्स क्या होगा 3.5 का 3 और लीस्ट इंटीजर क्या होगा 4 एस। क्लियर है सबको? यस सर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और बिल्कुल पूछेगा। हम ग्राफ पे नहीं जा रहे हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए ग्राफ पे जाने से, लेकिन कुछ ऐसा है तो आपको कोई ऑन किए हुए हैं आवाज गूंज रही है प्लीज इसको। सर नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर में सर क्या डिफरेंस है? इंटीजर मींस 1, 2, 3, 4 जो आप काउंट करते हैं, जैसे आपके पास स्टाफ की संख्या, स्टाफ की संख्या इंटीजर में रहेगी। नेचुरल इंटीजर, इंटीजर में जीरो लगा, जीरो आ गया तो आपका इंटीजर हो गया। नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, इंटीजर 0 से स्टार्ट होता है। और माइनस में भी होता है इंटीजर, ऐसा नहीं है -2, -1। और नेचुरल मींस आपको जो एग्जिस्ट करता है 1 से, ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 1 से इंफिनिटी जो भी है काउंटिंग का नंबर वो नेचुरल नंबर होगा। और इंटीजर मींस 0 भी इंक्लूड होगा, माइनस भी इंक्लूड होगा, यानी -5 भी इंटीजर है, पर बट -5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर। किसी कंफ्यूजन है ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर में? एटलीस्ट इसका समझ गए होंगे कि आपको कोई वैल्यू दिया जाए तो उसका ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर निकाल लेंगे। निकाल लेंगे, यस सर। 49.95 एक्स इक्वल टू 49.95 इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर बताएं। 49.95 यस। और लीस्ट इंटीजर 40.0001 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिस्ट इंटीजर बन गया इसका। 40 हो गया लिस्ट हो गया। और नो ग्रेटेस्ट हो हुआ 40 ग्रेटेस्ट आपका उल्टा चल रहा है। ग्रेटेस्ट 40, 41 लिस्ट। ओके लिस्ट 41 एंड ग्रेटेस्ट इज 40। ओके तो आपको ये ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट और लिस्ट इंटीजर आप थोड़ा नोट कर लें। अभी काफी हम लगभग 10 मिनट से इसी पेज पे हम हैं, तो आप इतना देर में नोट भी कर सकते थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर लिस्ट इंटीजर आप नोट कर लीजिए इसको। और यस तो आपको ग्रेटेस्ट लिस्ट इंटीजर पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। आगे बढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसका डिफिनेशन क्या होता है? उस डिनोटेड बाय फ्रैक्शन दिस एंड एक्स माइनस ग्रेटर देन एक्स, है ना। नोट कर लें इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। देखिए 0 to 1 इसका वैल्यू लाइव बिटवीन 0 to 1, इसलिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज लोएस्ट इंटीजर लेता है। तो माना 2.5 है, मींस 2.5 यहां रखाएगा और ये 2 होगा 2.5 के बदले। अगर x का वैल्यू 2.5 है, x का वैल्यू क्या है 2.5, तो 2.5 x 2.5 - 2 यानी कि 0.5 ऑलवेज क्या होगा आंसर इसका आएगा, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कभी, और पूछा गया है कई कॉम्पिटिशन्स में, अभी एसटी के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, पर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का डिफिनेशन कुछ ऐसा होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 देन वैल्यू इज 1। देखिए 1 0 पे 0 एंड माइनस 1 कब होगा लेस देन 0 पे, कुछ ऐसा ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का। ये थोड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ है कुछ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम फंक्शन, ये सब थोड़ा ध्यान रखना आपको। ओके अब न्यू टॉपिक पे आते हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इसका एरिया एंड वॉल्यूम तो काफी लोग जानते होंगे, कुछ फॉर्मूले आप लोग भूल गए होंगे तो हम रिमाइंड करा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्या है ट्रायंगल, इसका क्या एरिया का फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
बेस ए है, हाइट ए है, हाफ इन स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया चूंकि टू डायमेंशन है तभी वॉल्यूम पे नहीं आ सकते हैं, इसके वॉल्यूम नहीं होता है, ट्राइंगल का कोई वॉल्यूम नहीं होता है क्योंकि टू डायमेंशनल है। स्क्वायर का एरिया अगर साइड से है तो ए स्क्वायर, रेक्टेंगल का एल इंटू बी। हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जहां मेन फोकस करना है वहां करेंगे, जैसे हमने फंक्शन पे काफी समय दिया, आगे भी आएगी तो हम समय देंगे। तो एल इंटू बी पैरेललोग्राम, ओके, इसमें दो पैरेलल रहेगी, ऑल पैरेलल मींस ए बेस बी, और यहां से ड्रा किया हमने लेंथ तो बी इंटू एच पैरेललोग्राम एरिया। ट्रेपेजॉइडल में दो पैरेलल रहती है और दो नॉन पैरेलल, तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। आप लोग फार्मूला भी लिखते जाएं, नोट्स में अपने लिखते जाएं, कई को पता होगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पैरेललोग्राम का आपने उल्टा एग्जाम लिख दिया फार्मूला ऐसा, तो आपको फार्मूला ध्यान रहना चाहिए, शेप ध्यान रहना चाहिए तो बना पाएंगे। एरिया ऑफ सर्किल, दिस सर्किल ये है पाई आर स्क्वायर। कभी सरकमफेरेंस भी पूछ सकता है, तो क्या है सरकमफेरेंस, टू पाई आर। इलिप्स देखिए, इलिप्स है माइनर कॉर्ड मेजर कॉर्ड, तो हाफ ऑफ द दिस मींस ए ए ए है, ये पूरा तो टू ए होगा, हाफ दिस इज ए और दिस इज बी, क्या होगा एरिया, पाई इंटू ए इंटू बी। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो पूछा जा सकता है। अब क्यूब पे आते हैं, क्यूब ये थोड़ा सा मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट शेप नहीं बना पाया हूं, इसमें ऑल साइड बराबर होगा, जितने भी साइड है, तो एरिया, एरिया में सरफेस एरिया के बारे में जिक्र किए जाते हैं, कितने सरफेस क्यूब में होते हैं, हाउ मेनी सरफेस इन क्यूब, सिक्स, यस। तो इसलिए एक, देखिए एक स्क्वायर टाइप का है, देखिए एक एरिया ऊपर वाला मैं ले रहा हूँ सरफेस, तो ऐसे ऐसे सिक्स हैं, यानी सिक्स स्क्वायर। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपको सिक्स स्क्वायर पूछेगा, नहीं, आपको शेडेड कर देगा, आपको दो 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 सरफेस शेडेड कर देगा। ये देखिए, ये शेडेड कर देता है, शेडेड किया, इसको पेंट कर दिया, और ये हाफ करेगा ये वाली। अब पूछेगा कि शेडेड जो सरफेस एरिया है वो बताएं कितना होगा, कोई बता सकता है क्या आंसर होगा, वन बाई टू ए स्क्वायर इसका होगा, और इसका ए स्क्वायर, यानी कि आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर, ओके, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, यानी थ्री बाई टू ए स्क्वायर। तो कुछ ऐसा ही सेडेड करके आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा क्यूब या क्यूबाइड से, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, क्यूबाइड में क्या होता है, ऑल साइड का लेंथ बराबर नहीं होता है, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी, LBH, तो क्या है इसका वॉल्यूम, तो LBH हो जाएगा, और सरफेस एरिया 2LB, दो ऊपर वाले, दो साइड वाले, देखिए BH और दो इधर पीछे और आगे वाले, यानी 2 × L × B प्लस BH प्लस HL, दो बार सब, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि शेड कौन किया गया है, जिसमें एल और एच इंक्लूड है, क्या इंक्लूड, उस अनुसार देखना है, अगर कुछ ऐसा पूछा गया तो आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आपको समझना है कि कैसे हुआ। सिक्स एरिया है, उसमें दो एक जैसे एरिया हैं, दो दूसरे टाइप के एरिया हैं, तीसरे जो है सिमिलर एरिया है वो तीसरे टाइप का है, तो इस प्रकार से सरफेस एरिया है। नाउ सिलेंडर, सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, दोनों एंड पे सर्कल जैसा गोल होगा और ये एच हाइट का होगा, कैसे, देखिए सरफेस एरिया 2πr² + 2πr h, कैसे निकाला, तो इसका एरिया देखिए सरफेस एरिया ऊपर वाला का पाई आर स्क्वायर होगा, नीचे भी सेम होगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 2πr² हुआ, और एल इसका एक इस कर्व सरफेस का लेना है जो आपका एच लेंथ का है, तो एक अगर सर्किल काटेंगे तो कुछ कैसा आएगा 2πr, इसका सरकमफेरेंस,
और एच ऊंचाई तक मीन्स 2 पाई आर इंटू एच, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये ऊपर वाली प्लस एक कर्व सरफेस जो पाई आर स्क्वायर एच। कभी कभी पूछता है कर्व सरफेस का एरिया, तो सिर्फ आंसर ए होगा, ठीक है ना। कर्व सरफेस मीन्स आंसर ए, दोनों का ऐड करेंगे तो ऐसे 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ध्यान रखना है एरिया वॉल्यूम, क्योंकि आगे हम बताएंगे वो पूछा हुआ है, एएसटी के एग्जाम पूछा हुआ है। अगर किसी को नींद आ रही है तो ध्यान से देखें, ऐसा मत सोचेंगे बोरिंग टॉपिक है ये नहीं हम कर पाएंगे, या फिर मेरा तो हो चुका है और सो गया मालूम हुआ कि निकल गया। किसी को नींद आ रही है तो कृपया इसको देखें, ठीक है ना, एरिया एंड वॉल्यूम इसको समझें। सिर्फ कर्व सर्फेस पूछेगा मीन्स 2 पाई आर एच आंसर होगा, नॉट की पूरा होगा। कर्व सर्फेस ए वाली है, ए वाली है, यहाँ ए वाली। कोन देखिए कुछ ट्रायंगुलर शेप में होता है, लेकिन कोन ऐसा जो आइसक्रीम कोन वाले खाते हैं वो ए कोन है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर ये नीचे वाला देखिए सर्कुलर एरिया, और एक कर्व सर्फेस पाई आर एल कॉमन लेंगे, तो ब्रेक करके ही याद रखें तो याद रहेगा, ये याद आपसे नहीं रहेगा, ये भूल जाओगे आप, ये भूल जाओगे, इसलिए आपको ब्रेक करके याद। पाई आर स्क्वायर ए वाली, और पाई आर चूंकि हम पूरा नहीं ले सकते, पूरा सर्कुलर नहीं है इसके जैसा, इसलिए पाई आर इंटू एल से गुना पाई आर एल। एक कर्व सर्फेस एरिया पूछेगा तो ये आपको आंसर होगा पाई आर एल। कोन का कर्व सर्फेस एरिया क्या है पाई आर एल, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, पाई आर एल है। यस, और वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखिए वॉल्यूम में ऑलवेज तीन डायमेंशन, देखिए दो बार आर आया है, और अगर मीटर में है तो क्या होगा मीटर क्यूब आ जाएगा, देख रहे हैं। यूनिट भी लिखना है, कहीं एग्जाम ऐसे नॉमरिकल पूछा गया तो आपको यूनिट भी लिखना है, तो हाफ मार्क्स आपके चले जाएंगे। देखिए तीन डायमेंशन है तभी वॉल्यूम बना है, यहाँ पे देखिए दो ही डायमेंशन है, मल्टीप्लाई करें देखिए आर स्क्वायर या आर इंटू एल, ये मीटर स्क्वायर होगा। एरिया का डायमेंशन क्या होता है मीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ भी, यहाँ भी तीन डायमेंशन है, तो यूनिट डायमेंशन भी ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मूला देखे और मालूम हुआ, ये भी पता होना चाहिए एच क्या है या एल क्या है आर क्या है, क्योंकि वहां वो ये नहीं दिया रहेगा कि एच है इतना आर है इतना, ऐसा नहीं है। हाइट बोला जाएगा, रेडियस बोला जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि एच क्या है, कौन सी चीज है एच। अब स्फीयर देखिए, स्फीयर या हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा कर दो हेमिस्फीयर, तो सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये पूछा हुआ एसटी के एग्जाम में, इसलिए किसी को नींद आ रही है तो कृपया इसको देखें, ध्यान से देखें। तो जब सरफेस का पूछा जा सकता है एरिया और वॉल्यूम, तो ये भी पूछा जा सकता है कोन कम इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर सिलेंडर कम इम्पोर्टेंट नहीं है, या क्यूब क्यूबाइड, ये सबको भी नहीं छोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैंने लगभग कुछ दिन मेहनत करके इसको तैयार की है, कैसे पढ़ाना है क्या करना है, तो आप इसको देखें। ओके, कोई डाउट है इसमें ज्योमेट्री में, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं, एनीबॉडी सर, किसी को कोई कंफ्यूजन है डाउट है, एलिप्स एरिया का फिर से बता दीजिए सर। किसका? एलिप्स का सर, एलिप्स का। अच्छा एलिप्स का, देखिए एलिप्स से हुआ, देखिए एलिप्स कैसा होता है, पूरा गोल नहीं होगा सर्किल जैसा, ऐसा लॉन्ग रेडियस और ये स्मॉल वाली कुछ ऐसा, तो ये 2a होता है पूरा लंबाई, हाफ कितना हो जाएगा a, यहां से यहां तक a, और ये वाली चूंकि 2b होती है ये b, एरिया क्या होगा पाई इंटू a इंटू b। यही अगर पूरा दोनों a और b बराबर हो जाए तो सर्किल हो जाएगा ना, तो a भी r सब एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर करें तो वही चीज ए भी आर, ए भी आर, देखिए पाई इंटू आर कितना आ गया, अगर ए और बी बराबर हो जाएगा तो सर्किल कहलाएगा ना, पाई इंटू आर पाई आर स्क्वायर हुआ, तो इलिप्स में कुछ नहीं है, और दोनों रेडियस बराबर नहीं होता है, अलग अलग होते ही है,
ए और बी, तो पाई इंटू ए इंटू बी, ये भी याद रखना आपको इलिप्स का एरिया, ठीक है? यस सर। लेकिन आपको, आप तो याद कर लो और समझ के याद कर लो, सिलेंडर का, कोन का और स्फीयर का बहुत कंफ्यूजन होता है आपको, कैसे एरिया निकला, कैसे वॉल्यूम है, ये ध्यान रखना है। ओके, हेमिस्फीयर, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, हेमिस्फीयर है ऐसा, हेमिस्फीयर है, ओके, हेमिस्फीयर अपना, इसका बताओ वॉल्यूम क्या होगा और एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताएंगे कोई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होगा? सरफेस एरिया 2πr² अच्छा, ओनली सर हाफ हो जाएगा ना पूरे का? हाँ हाफ होगा, अरे साइड नीचे वाला कौन लेगा सरफेस एरिया? 3πr² हो जाएगा सर। यही तो पूछना है, यही तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही पूछता है जिसमें सब लोगों नहीं बता पाए क्या होगा सरफेस एरिया। 3πr² हो जाएगा। सही है। और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हाफ हो जाएगा ना इसका? 2π3πr² हो जाएगा ना सर? हाँ, 3π2πr³ हो जाएगा। हाँ 2π³ ना, हाफ होगा ये, देखिए हाफ कीजिए। यस हाँ, तो हाफ देखिए, 2 कट होगा ना, तो 2π3πr³, डायमेंशन तो 3 ही होगा ना? यस सर। हाँ हाँ, और हेमिस्फीयर आपने किया, ये तो आपने लिया, नीचे का जो कर्व सरफेस एरिया है, नीचे का जो प्लेन एरिया है उसको भी तो काउंट करना है। 2πr² इज ओनली कर्व सरफेस एरिया, नॉट प्लेन एरिया नीचे वाला। अगर कर्व सरफेस पूछा तो 2πr² होगा आंसर, लेकिन अगर नीचे का ये जो आपने कट किया इसको यहां से, तो नीचे का जो एरिया है वो अभी आपको लेना है πr², ओके? तो 3πr² आंसर होगा अगर सरफेस एरिया पूछा तो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसा पूछा तो 3πr² होगा, ओके? इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, रटना नहीं हर चीज को, मैथ रटा नहीं जाता है। अब आ रहे हैं आपके अलजेब्रा पे, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशंस, ऑल टाइप ऑफ इक्वेशन। एक एग्जांपल देखिए दिए हुए हैं हम, x + y = 10, x - y = 2, x और y क्या आएगा निकालिए। आप सबको करना है, ऐसा नहीं सिर्फ वो देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा नहीं। एक पेज रखें, कॉपी रखें, उससे बनाएं, आपको नॉर्मल थ्योरी पेपर नहीं है। इतना ऐसे सिंपल नहीं पूछेगा, एक्स पूछ भी सकता है, एक्स 6 आया और वाई 4 आया, तो पूछेगा इसके क्या है, कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है ना, इसके अलावा कोई निकाल पाया, कोई दूसरा बंदा इसके अलावा कोई आंसर निकाला है क्या, कोई ऐसा है जिसको 6 और 4 के अलावा दूसरा आंसर आ रहा है? यस सर, सेम, एक्स 6 और वाई 4। अच्छा, कोई और कोई है ऐसा जिसको 6 और 4 के अलावा दूसरा आंसर आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा ना, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन सर आएगा यूनिक सॉल्यूशन, डबल सॉल्यूशन, इंफिनिटी सॉल्यूशन, इस टाइप की चीजें, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन आ, ठीक है ना, और ऐसे जिसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ये कैसा इक्वेशन है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, ओके? थोड़ा आप लोग इंजीनियर हैं तो ये है कि आपको इस टाइप की लैंग्वेज यूज करनी है, बच्चे जैसा बना लिए उसमें खुश हो गए, नहीं, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है, ओके? चलिए मैं ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, इसका बताइए क्या आंसर होगा, क्या है, x + y = 10 एंड 2x + 2y = 20, इसका सॉल्यूशन बताइए, x क्या है, y क्या है, क्या आ रहा आंसर?
कौन बोल रहे, थोड़ा सा तेज बोले, नो सॉल्यूशन किन्हें बोला? यस सर। अच्छा और कोई बताए, आपने नो सॉल्यूशन बोला। हम देखिए बता रहे हैं एक्स का मान 6 और वाई का मान 4, नहीं है क्या, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है? जिन्होंने नो सॉल्यूशन बोला उसका जवाब मेरे पास है एक्स इक्वल टू 6 और वाई इक्वल टू 4। सर और भी तो हो सकता है? हाँ बिल्कुल, 5 हो सकता है, प्लस 5 हो सकता है ना। यस। और एक्स इक्वल टू 4 हो सकता है और वाई इक्वल टू 5। तो जिन्होंने नो सॉल्यूशन दिया आंसर वो थोड़ा नहीं सोचे, उन्होंने जल्दीबाजी की। हमने 3 आंसर दिया और हमें लगता है जितने क्लास में, कितने लोग हैं अभी क्लास में, टोटल कितने हैं, 50-60 जो भी हैं, हमें लगता है 100 सॉल्यूशन बता सकते हैं, 100 क्या 1000। तो इसके नो सॉल्यूशन कहना गलत है, कितने सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं सर, इनफाइनाइट नहीं सॉल्यूशन है सर। इनफाइनाइट थर्ड वाला कैसे हुआ, x is equal to 4 y is equal to 5, ये कैसे होगा? 6 हां आप लोग बता सकते हैं, मैं वही तो चेक कर रहा था, आप लोग सो रहे हैं कि बता रहे हैं, चलिए वो जगह हुआ है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जगह हुआ हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको, मैंने एक दो इक्वेशन दिया इसका सॉल्यूशन निकालना है। नहीं नहीं ये काफी टाइम हो गया है सब पढ़े हुए, ठीक है कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। प्लीज ये तो मैं पढ़ा रहा हूं या आपको पढ़ाया जा रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं, आप बिल्कुल पेशेंस रखें, आप बिल्कुल हम बताने के लिए भी हैं। ओके। और इसलिए आपको बताया जा रहा है कि काफी समय हो गया, भूल गए होंगे, तो आपको ये दो इक्वेशन दिए, इसको आप वैल्यू रख के देखिए ना, देखिए x इक्वल टू 6 रखेंगे, y इक्वल टू 4 आ रहा है, ये तो समझ में आ गया, ये क्लियर है। 4 और 6 ये हमने 6 जगह पे 5 रख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने बताया अच्छी बात है। कुछ और भी रख सकते हैं, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3, ये भी तो होगा ना सॉल्यूशन, करो ना बहुत सॉल्यूशन, 100,000 सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक बंदा एक अभी क्लास में जो होगा वो हमको 10 सॉल्यूशन बता सकता है, 50 सॉल्यूशन बता सकता है, ऐसे ऐसे 50 क्लास कर रहे हैं तो 250-300 सॉल्यूशन मैं, और उससे ज्यादा मैं सॉल्यूशन बता सकता हूँ। इसके क्या आंसर होंगे, ऑप्शन रहेगा x प्लस y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, हो सकता है ना भी दिया रहे, सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया रहे, वेरिएबल दो है और इक्वेशन एक है, वेरिएबल क्या है, x और y, इक्वेशन क्या है, एक ही है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, बताएं क्या होगा? इसमें ऊपर इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई, यहां पूछिए। टू ऊपर इनटू करने से जी, पूछिए पूछिए लाउड आवाज में पूछिए। सर अगर मैं टू ऊपर इनटू करता हूं फिर माइनस करता हूं तो जीरो आता है ना, कहाँ करने पे जीरो आएगा? आपको इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस y इक्वल टू 10, आप x और y का कोई भी आर्बिट्री वैल्यू रखिए जो 10 आना चाहिए, 6 एंड 4, 7, 3, 0, 10, 10, 0, 10, 10.3, माइनस 0.3, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मेरा यही कहना है कि वेरिएबल दो है और इक्वेशन एक ही है, एक ही है, हमने जो इक्वेशन आप बनाया 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, ये तो मैंने इससे मैनिपुलेट करके बनाया, 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया। लेकिन सर एज पर रूल आप इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं कह सकते सर, क्योंकि इक्वेशन आपकी दो दी हुई है। हाँ इक्वेशन सर आपने इक्वेशन दो दिया है ना, दो इक्वेशन में नहीं, हमने दूसरा इक्वेशन इसी से बनाया है। नहीं सर आपने ऑलरेडी दो इक्वेशन लिखी है तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आप किसी एक को थोड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं सर। नहीं हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने इसी को कन्वर्ट किया है, इसलिए मैं इक्वेशन दो है, इसके लिए दोनों हल करना पड़ेगा ना, सिंगल तो करेंगे नहीं, अगर दोनों करेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो आएगा। एक्स जीरो कैसे आएगा, कौन निकाल रहे हैं, जीरो आएगा तो दूसरा टेन आएगा, सॉल्यूशन नहीं कर सकते सर। नहीं सर दो है ना सर, इक्वेशन दो है, इसके लिए आंसर एक्स का वैल्यू जब
उसमें 2x करेंगे मल्टीप्लाई करके करेंगे ना, तो x वैल्यू जीरो आ रहा है दोनों इक्वेशन को करेंगे, अगर सिंगल है तो कर सकते हैं उसको। हाँ तो उस प्रकार से नहीं निकलेगा, जैसा आप सुनिए मेरी बात सुनिए, जैसा आपने ए निकाला मेरी बात सुनिए, हाँ जैसा आपने ऐसा निकाला या दोनों को ऐड कर दिया क्रॉस किया नेगेटिव किया और आपका एक्स का वैल्यू आ गया भाई, ऐसा इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि मैंने पहले इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन बनाया है। यस यस सेम साइड था, इसके लिए वो दो इक्वेशन हुआ ना, इसके लिए अगर ऐसा निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है, दो इक्वेशन कंफ्यूजन हो रहा है, दो इक्वेशन में नहीं मैं देकर मैंने हटा लिया, इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूं आप कि मैंने पहले इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन डिराइव किया है, इसलिए इक्वेशन एक ही है, मैं 3x plus 3y equal to 30 कर दूं तो भी इक्वेशन एक ही रहेगा, वेरिएबल दो है, तो जहां भी ऐसे सिचुएशन आए कि इक्वेशन ठीक है ना, इक्वेशन जो है इक्वेशन लेस देन वेरिएबल हो, वेरिएबल कितना है दो, तो हां बोलिए सॉल्यूशन निकालना होगा तो आपको दोनों इक्वेशन काम में लेना पड़ेगा, और अगर सुनिए आप जैसे अगर सपोज करिए आप फर्स्ट वाले इक्वेशन से x की वैल्यू लेते हो तो उसकी x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस का y, आप इसको सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो 2 इनटू 10 माइनस y तो वापस वो y कट जाएगा, तो इसकी 0 0 आएगा सर, आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। नहीं नहीं वही तो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात, अगर इनमें से किन्हीं ने भी थोड़ा सा 12th में अच्छे से पढ़ा होगा याद होगा तो वो ये बात मेरी समझ रहे होंगे, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, जब हम अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं इसको जैसा मैंने इसको सॉल्व किया ऐसा इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं हम, इक्वेशन मींस क्या होता है वो दो वैल्यूज जिसको हम रखें और इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, क्या 6 रखने पे और 4 रखने पे क्या 10 नहीं आ रही है, क्या आ रही है, आ रहा है सर आ रहा, अगर वो बात सुने हमारी करेंगे तो आ जाएगा, सिंगल से सेम है, हाँ तो वही कह रहा हूँ मेरी बात सुने, 6 रखने पे 4 रखने पे आ रहा है सोल्यूशन, यस यस क्यों सोल्यूशन उसको नहीं कहेंगे हम, 5 रखने पे 5 रखने पे आ रहा है यस यस, तो क्यों नहीं सोल्यूशन उसको कहेंगे, कोई बंदा कहेगा कि सर मैं 7 रखूंगा और दूसरा 3 रखूंगा सोल्यूशन आ रहा है नो सोल्यूशन वाली बात ही नहीं है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है और चूंकि सोल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंट है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ ये क्या है कंसिस्टेंट, ये आप याद रखें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, यूनिकी सोल्यूशन रहेगा या अनयूनिकी सोल्यूशन रहेगा, क्या बोल रहे हैं ये यूनिक सोल्यूशन रहेगा या अनयूनिक, इनफाइनाइट सोल्यूशन यूनिक नहीं, ऊपर वाला का देखिए एक्स इक्वल टू 6 और वाई इक्वल टू 4 इस इक्वेशन का सिर्फ सिर्फ यही सोल्यूशन है, कोई बंदा कोई भी स्टूडेंट बताया क्या इसके अलावा दूसरा सोल्यूशन, इसमें तो बताया है कि देखिए एक 6 और 4 है 5 है 4 और 6 है 7 3, ऐसे 1000 2000 5000 10000 सोल्यूशन इसका बता सकता है इस इक्वेशन का, लेकिन ऊपर वाले इक्वेशन का सिर्फ सिर्फ 6 एंड 4 सोल्यूशन है, इसलिए यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक मीन्स अद्वितीय, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, पर यहाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो जहां भी इक्वेशन कम हो इक्वेशन एक ही है वेरिएबल ज्यादा है दो है, जहां भी वेरिएबल से कम इक्वेशन है वहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वो भूल गए हैं कोई बात नहीं, वो हम बता रहे हैं आप ध्यान रखिए कि जहां भी इस तरह की चीजें आए या तो इक्वेशन कम हो या फिर इक्वेशन इसी से डिराइव हो तो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा, इसका ऑप्शन इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, ओके चलिए मैं ये दे रहा हूं, जो अभी नो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे उनके लिए एग्जांपल में दिया हूं, देखिए इक्वेशन देख रहे हैं इसको सॉल्व कीजिए, हाँ और थोड़ा सा तेज बोलें सॉल्व करने के बाद, देखिए इसमें एक एक इक्वेशन x इक्वल ए प्लस वाई इक्वल टू 10 कह रहा है, दूसरा x प्लस वाई करने पे 6 आ रहा है, दो अलग अलग बातें कही जा रही है, कभी ऐसा हो सकता है क्या, इसलिए नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, ओके किन्हें ने डिटरमिनेंट, चूंकि हम उस पे नहीं जा रहे हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पे क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे क्या होगा देखिए डिटरमिनेंट निकालेंगे नहीं निकलेगा इसका, तो चूंकि एक ही इक्वेशन दो तरह की बातें कह रहा है, जैसे माना कि इसके लिए 6 प्लस 4 लाएंगे
तो 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ 6 प्लस 4 करेंगे तो नहीं 6 होगा ना, इसलिए इसका नो सोल्यूशन होगा। और जहां नो सोल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। बस ये टर्म मुझे बताना था इसलिए मैं इस पे गया, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, समझ में आया है तो, नहीं समझ में आया है तो भी उतनी चिंता की बात नहीं है, इनकंसिस्टेंट। ओके, जो नो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिया ये वाली, ठीक है सर। आगे आगे बढ़िए सर। ओके आगे बढ़ रहे हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन कुछ कैसा होगा। नॉन लीनियर मीन्स एक क्वाड्रेटिक है देखिए स्क्वायर वाला, और दूसरा ये है, इसको सोल्व कीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, करेंगे सोल्व। एक क्वाड्रेटिक टाइप का है तो सोल्व कीजिए, कौन कौन नहीं कर सकता है, क्या आएगा आंसर। सबसे पहले चावला जी कर लेंगे, सर x माइनस 9 और x माइनस x इक्वल टू माइनस 3 आएगा सर, क्या आ रहा है इक्वल टू 3 x इक्वल टू क्या आ रहा है 3 x इक्वल टू माइनस 9 और x इक्वल टू माइनस 3 जिनके माइनस 9 आ रहे हो गलत है। हाँ, ऐसे निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से निकालें। थ्री आएगा, दो सोल्यूशन आएगा, थ्री थ्री आ रहा है, इसलिए दो सोल्यूशन आएंगे, ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 एंड 3, ठीक है, सब का आ रहा है 3 एंड 3। किसी का 9 आ रहा है, कैसे निकालेंगे सर एक बार बताइएगा प्लीज, 3 तो आ गया आंसर लेकिन निकाला कैसे। अरे ये सूर्यासन इसको निकालने के लिए देखिए x स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे 6x 9 को इक्वल टू इधर लाएंगे, क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, -6 माउस से लिखना पड़ रहा है तो बहुत अच्छा लिख नहीं पा रहा हूँ, प्लस जहाँ नहीं समझिएगा पूछ लीजिएगा। यस एक के 0 इक्वल टू 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइप का हो गया, या तो उससे निकाल लें x इक्वल टू माइनस बी प्लस, नहीं तो इस सिंपल क्या है इसको निकालने का, x स्क्वायर क्या है यहाँ 1 में 1 है ना मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट में, देखिए -2 इंटू ए वाली इंटू 1 1, अब क्या बचा 3 ना, तो 3 6 आगे हो गया इंटू x, और एक्चुअली जो 9 है वो 3 का होल स्क्वायर है ना, इक्वल टू 0, एक्स माइनस एक्स माइनस 3 का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या रहा x इक्वल टू 3 और दूसरा भी आंसर x इक्वल टू 3, ठीक है बिल्कुल सर, वो फार्मूला याद होना चाहिए। हाँ नहीं चलिए कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, अब आप लोग फील्ड में काम सबको रहता है, भूल गया होंगे काफी समय पहले का पढ़ा होगा, हाथ में नहीं होंगे तो कुछ पूछने में हेजिटेशन नहीं रखना, आपको छोटी चीज भी नया है पूछिए, ठीक है। एक और देखिए एसटी के एग्जाम में पूछा हुआ कुछ सोल्व कीजिए, इसलिए मैं कह रहा था आपको, आपको देखना है कि कैसे सोल्व करना, आप वैसी सोल्व कीजिए जैसे पहला क्वेश्चन सोल्व किए थे, नहीं सोल्व होगा तो फिर आपको कंसिस्टेंट अनकंसिस्टेंट वाली बात वो बाद में आएगी, सिंपल तरीके से सोल्व करना है, इसको सोल्व कीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है एसटी के एग्जाम में, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 चलिए एक ने दिया 3 सॉरी x इक्वल टू क्या दिया 3 अब y इक्वल टू 2 x3 y2 कोई और आंसर दे रहे हैं x3 y2 बराबर है इसके अलावा किसी के पास दूसरा आंसर है क्या
ऑप्शन रह सकता है, ऑप्शन नहीं भी रह सकता है। और आपको अगर आता है सोल्व करना और आप बातें समझ चुके हैं और समझते हैं तो आपसे बन जाएगी। इसके अलावा y is equal to 2, x equal to 3, y equal to 2, x equal to 3, ठीक है, सेम आ रहा है सर, सेम। इसके अलावा किसी के पास दूसरा सोल्यूशन है, तो दूसरा सोल्यूशन है तो बताएं। यही सेम आंसर आ रहा है ना, तो इट इज ए केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। ओके, सब एग्री है इस बात से, यूनिक सोल्यूशन जिसका सोल्यूशन क्या है 3 and 2, और यूनिक चूंकि सोल्यूशन निकल रहा है तो क्या है, कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट टर्म है, टर्म ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं टर्म दोहरा रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने तो कभी सुना ही नहीं, यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। ओके, ठीक है, सबसे सोल्व हो गया। वो ऐसे हैं जिनसे सोल्व नहीं हुआ है, हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी पूछा हुआ है एसटी के एग्जाम में, मैं नहीं बनाऊंगा, आपसे बनवाऊंगा। ये बताएं, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x-6, आराम से बनाएं, जल्दीबाजी ना करें। x is equal to 2 and 3, आधे लोग तो इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते कि बहुत जल्दीबाजी करते। equal to 3 sir, x is equal to 2 and 3 है सर, 2 and 3। हाँ देखिए, मैं सोल्व कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कैसे सोल्व करेंगे, तो 6x स्क्वायर आना चाहिए, तो x स्क्वायर ओके माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। देखिए, सोल्व करने का ही तरीका है, आपको बीच वाला जो है ऐसा ब्रेक करना है, देखिए कि ऐड करके ऐसा आ जाए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। देखिए, 6 स्क्वायर आ रहा है ना, अब x इससे कॉमन लीजिए, x-3। हाँ बिल्कुल बेसिक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि वो भूल गए होंगे, चलिए, लेकिन चूंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है तो 0, x-3 कॉमन हो जाएगा, x-3। मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, चूंकि मैं माउस से कर रहा हूँ, थोड़ा सा बुरा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। x इक्वल टू 3 and 2, ओके, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए इसके दो सोल्यूशन आएंगे, इक्वेशन एक ही में दो सोल्यूशन आएगा, तो 3 and 2। ओके, पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लीनियर इक्वेशन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन पूछा हुआ है, कई लोगों से नहीं भी बनता है, इसलिए एक प्रैक्टिस हो गई, अच्छी बात है। अब हम आ रहे हैं मैकेनिक्स पे, थोड़ा मैकेनिक्स डाला हुआ था सिलेबस में, उसमें यही सिलेबस है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, बर्कडन, ये मैकेनिक्स का आपका सिलेबस है, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन के पहले सबसे पहले जानना होगा पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है, फिर कहाँ गया, तभी तो वेलोसिटी होगी, किस स्पीड से गया, कैसे गया, तो कुछ अगर उस वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सीलरेशन वाली बात आएगी, तो पोजीशन, देन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में विद दो टाइप का, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन में भी एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो हमको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन समझने के लिए हमको पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट भी समझना होगा, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज हुआ तो क्या होगा, वो डिस्प्लेस होगा, माने एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड, वो टर्म क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे माना कि एक ऑब्जेक्ट है यहां और दूसरा ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके टाइम t1 पे x1 पोजीशन पे है, टाइम टू पे x2 पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डेल x मींस x2 माइनस x1, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 माइनस x1।
इसको चेंज इन एक्स, डेल एक्स मीन्स चेंज इन एक्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन। किसी रिफरेंस से माना 10 मीटर की दूरी पे है ये वाली पहली पोजीशन, दूसरी जब गई तो ये माना 30 मीटर की दूरी पे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 30 माइनस 10 यानी कि 20 मीटर। ओके अब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टाइम एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन यानी डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये क्या है वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज मीन्स पूरे टाइम पीरियड में कहीं स्लो रहा होगा कहीं फास्ट रहा होगा, लेकिन हम एवरेज निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी भी टाइम पे, माना कि ये 0 सेकंड पे चालू हुआ और 10 सेकंड तक गया तो 5 सेकंड पे हमको निकालना, किसी भी एक टाइम पे मीन्स इंस्टेंटेनियस मतलब क्या डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, उसी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt। अभी एक एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, किन्हीं घबराने की बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो। और एक्सेलेरेशन इसी वेलोसिटी का टाइम के साथ डिवीजन, एवरेज में क्या डिवीजन करेंगे और इंस्टेंटेनियस में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए dv अपॉन dt, अब वेलोसिटी का कोई बताएगा कि क्या है यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखिए एक ही बार टाइम नीचे है ना, टाइम का सेकंड और इसका मीटर, मीटर पर सेकंड। ओके SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। और एक्सीलरेशन देखिए डबल टाइम हो गया ना, वेलोसिटी के लिए एक बार टाइम आया था मीटर पर सेकंड, देखिए सेकंड, और फिर नीचे में फिर टाइम आया मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन का ये पूछा जा सकता है यूनिट, आप नोट कर लें, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको दिया गया माना कोई न्यूमेरिकल बनाने को, आपको यूनिट भी लिखना, नहीं तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। तो थोड़ा सा आप ये नोट कर लें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से, या कोई पोजीशन है देखिए, एक एक्स वन से एक्स टू पे गया, टाइम टी वन पे एक्स वन है, टाइम टू पे एक्स टू, देन डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये थोड़ा नोट कर लें। मैं थोड़ा होल्ड करूँ आप, ये पेज नोट कर रहे हैं, सर ये नोट तो दे देंगे ना? हाँ नोट दे देंगे अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन आप नोट करो क्लास के साथ, जो बोर्ड या फिर जो क्लास चल रही है उसका इम्प्रेशन अलग होता है ना। हाँ नहीं वो नोट तो कर रहे हैं। हाँ नोट कीजिए और होगा तो नोट भी दे देंगे। नोट तो कर ही रहे, ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, ये कि माइंड से हट गया होगा, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। उसके बाद एक एग्जांपल दूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, और कुछ ऐसा ही एग्जांपल पूछेगा आपसे एग्जाम में। नोट करने पे आप बता देना, आगे बढ़ेंगे। आगे सबने नोट कर लिया, आपके साथी को नोट करने दीजिए। ये तो हो गया नोट नोट हो गया। चलिए चलिए ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखें। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पाथ हुज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय इक्वेशन 3t² + 4 xt इक्वल टू 3t² + 4। इक्वेशन के अनुसार वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये भी एक फंक्शन हुआ टाइम का फंक्शन विथ डिस्प्लेसमेंट xt इक्वल टू 3t² + 4। तो फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 3 सेकंड एंड t नॉट इक्वल टू 3 सेकंड टू t1 इक्वल टू 6 सेकंड एंड फाइंड एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन में पूछ रहा हूं, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा हूं। इंस्टेंटेनियस मींस एट गिवन टाइम, माना कोई टाइम दे दिया मैंने 3 सेकंड पे,
यस क्वेश्चन नोट करें फिर आपको मैं समझाता हूँ। ऐसे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में स्पेशली मेंशन था वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। नोट डाउन, नोट कर लिया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी सर, अच्छा कर लीजिए नोट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हम समय लेंगे पर आपको समझा के ही जाएंगे आज हम, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, मैं सॉल्यूशन अब कर रहा हूँ इसका। जिनको ग्राफ समझ में आ रही है ग्राफ देखें, नहीं समझ में आ रही बिल्कुल ग्राफ ना देखें, ओके। इक्वेशन क्या था एक्स का, देखिए 3t² + 4, ठीक है। तो अगर हमको पोजीशन दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, तो हम पहले एक्सीलरेशन निकालना है तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे तब एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी के लिए वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और एक्सीलरेशन के लिए दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए यहाँ पे फार्मूला देखिए, इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी में क्या आ रहा है, देखिए dx/dt, ठीक है। अब फिर एक्सीलरेशन निकालना है तो इसी वेलोसिटी का, ये v का फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो x को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, दूसरा बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा। तो देखिए ये जो दिया हुआ था क्या है, 3t² + 4, x = 3t², तो v क्या होगा, v निकालिए, v = dx/dt, डिफरेंशिएशन सबको आता है dx/dt। अब डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है जो पूछा हुआ था एग्जांपल में, उसमें ईएसटी के एग्जाम में dx/dt क्या होगा, 3t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 60, ओके। और 4 का डिफरेंशिएशन 4 का 0, यानी 60 आएगा ना, वेलोसिटी क्या आएगा 60 6 × t, ओके। यही देखिए वेलोसिटी 6 × t है, ओके। तो चूंकि वेलोसिटी आ गई तो हमें एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखिए आपने क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। क्या पूछ रहा है, देखिए एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन 3 सेकंड टू 6 सेकंड, यानी कि हमको टाइम तो पता है 6 से 3 तक का, मैंने नीचे लिख दिया। और चूंकि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है 60, तो 6 × t क्या है, पहले 6 बड़ा वाला माइनस 6 × 3, तो 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18, और टाइम में क्या है 6 − 3 = 3, 36 − 18 = 3, 6 m/s, ये एवरेज एक्सीलरेशन। देखिए और नोट कीजिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे dx/dt करके, जो क्या आया 60 आ गया, तो देन 6 सेकंड पे 60 ये होगा 6 × t, और 3 सेकंड पे 6 × 3 ये होगा, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगी। और टाइम क्या है 6 − 3, 6 सेकंड 3 सेकंड टू 6 सेकंड, मीन्स बड़ा वाला माइनस छोटा वाला टाइम। क्लियर है एवरेज एक्सीलरेशन, सिक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना,
हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर एस एस, ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट भी बहुत मायने रखता है, ठीक है सबको क्लियर है ना। ग्राफ जिनको समझ में आ रही है, हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम खींचा है और यहाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम खींचा है, जिनको आ रही है देखिए 60 का ग्राफ है, 3t स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ है, इधर से आएगी पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, टाइम निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में खींचा है। तो ग्राफ जिनको समझ में आ रही है ठीक है, नहीं समझ में आ रही है सिंपल, ये जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस चीज को, तो क्या आएगी वेलोसिटी आ जाएगी 60, t इक्वल टू 6 सेकंड पे हम वेलोसिटी निकालेंगे, t इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकालेंगे, दोनों को डिफरेंस करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी आएगा डिवाइडेड बाय टाइम 6 - 3, 6 सेकंड माइनस 3 सेकंड, ये आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकंड। एवरेज एक्सीलरेशन क्लियर हो गया। अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस में सीधे डिफरेंशिएशन करना है, ऐसा चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम नहीं निकालना है, सीधे इसी का जो 60 आया वेलोसिटी उसका डिफरेंशिएशन करना है। 6 की t का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, देखिए 60 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 60 का डिफरेंशिएशन आप लोग बताएं इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6 कांस्टेंट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर छोड़े हूं लेकिन आप कितने स्क्वायर पकड़ा, अच्छी बात है मीटर पर सेकंड स्क्वायर 6, तो चाहे वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एट 3 सेकंड, तो 3 सेकंड हो या 6 सेकंड हो या 5 सेकंड कोई भी सेकंड पे हो, चूंकि t बचा नहीं कांस्टेंट एक्सीलरेशन आ रहा है, इंस्टेंटेनियस निकालने पे 6 आ रहा है, उसमें t मल्टीप्लाई या कुछ नहीं है, तो आंसर क्या होगा एवरेज एक्सीलरेशन एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड क्या आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। संयोग से एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दोनों 6 मीटर पर सेकंड आया, अगर यहाँ t का टर्म रहता तो मल्टीप्लाई हो जाता 6 हो जाता तो 18 आ जाता, 5 सेकंड पे 30 आ जाता, तो देखिए तो आपका ऐसा ही कुछ इक्वेशन दिया रहेगा जो हमने क्वेश्चंस लिखा है और इसको सॉल्व किए और इसी अनुसार आपको बनाना है, आपको पोजीशन दी हुई है वेलोसिटी निकालना है तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन, एक्सीलरेशन निकालना है तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन, ओके एवरेज निकालना है तो कुछ ऐसा आपको निकालना होगा 6 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में डिफरेंस निकाल के, इंस्टेंटेनियस निकालना है सीधे एक बार और डिफरेंशिएट कर लेना है, इसलिए डिफरेंशिएशन भी थोड़ी बहुत आना जरूरी है और आपने देखा भी क्वेश्चन भी पूछा हुआ डिफरेंशिएशन पे, ठीक है क्लियर है। मैं पेज होल्ड करूं दिखा रोकूं या फिर आगे बढ़ूं, सर आगे बढ़िए, इसी आपके इसमें मैकेनिक्स में आपका वेलोसिटी एक्सीलरेशन हो गया और इसका आपको यूनिट और फार्मूला ऐसा आपको याद रखना जानना जरूरी है और आप याद रखें। अगला टॉपिक है इसी में वर्क, वर्क क्या होता है फोर्स लगाए तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड वर्क, वर्क डन क्या है फार्मूला क्या होगा ये देखिए एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा इन्होंने थोड़ा याद होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एफ डॉट डी, एफ क्या है फोर्स और डी डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट को हम ब्रेक करेंगे तो कॉस थीटा में आता है एफ डी कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ओके। इस वर्क का यूनिट क्या होता है, क्या यूनिट होता है वर्क का, जूल, जूल होता है, जूल, यस जूल, कौन सा यूनिट होता है एस आई, अच्छा सीजीएस यूनिट क्या होता है ये बहुत पूछता है, सीजीएस यूनिट को बताएंगे, सीजीएस यूनिट क्या होता है वर्क का बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे कंपटीशन के उसमें पूछे हैं लेकिन जानना चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्ट्रीम पूछा जाएगा पर क्यों नहीं पूछा जा सकता है, क्या होता है इसका अर्ग, क्या होता है अर्ग, एक अर्ग इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁷ जूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अर्ग इक्वल टू और पूछा जा सकता है, एक अर्ग इक्वल टू सीजीएस यूनिट है,
दो यूनिट होते हैं ना, तीन चार यूनिट, एम की एस, सीजीएस, एसआई, उसमें सीजीएस यूनिट है आर्ग, आर्ग का मतलब 10^-7 जूल। ये नोट कर लें, एक आर्ग इक्वल टू 10^-7 जूल। यूनिट और डायमेंशन तो बिल्कुल याद रखें। मैं नेट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, कुछ तो मुझे मिला है, उसमें नहीं था, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं इसका डायमेंशन भी पूछा हुआ है वर्क का। चलिए आप यूनिट नोट कीजिए, फिर हम डायमेंशन बताते हैं। तो एसआई यूनिट इज जूल और सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग। सीजीएस सी है, ठीक है ना, सीजीएस। कोई डायमेंशन बताएंगे क्या? आप लोग को आवाज आ रही है हमारी? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, थोड़ा बोलते रहे, ऐसा लगता है आवाज नहीं जा रही है, मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं। कोई डायमेंशन बता सकेंगे या मैं बताऊं? डायमेंशन कहीं पूछा हुआ है? चलिए मैं डायमेंशन इसका बता रहा हूं, कहां बताऊं, यहां पे। चलिए बार इक्वल टू क्या है? एफ इंटू डी ना, एफ इंटू डी। ओके, ध्यान से देखिएगा, एफ इक्वल टू क्या है? एम ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन। इन्हीं कुछ डॉट हो पूछ लिया, एम इंटू ए इंटू डी, डी इज डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा तेज बोले, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यस सर। नहीं नहीं नहीं, डायमेंशन में पूछ रहा हूँ। चलिए मैं देखिए सोल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें, ये डायमेंशन कहीं पूछा हुआ है, इसलिए मैं सर्च कर रहा था गूगल पे साइट पे, तो मुझे कुछ ऐसा था कि इसका डायमेंशन, तो मैंने सोचा बता दूंगा। मैंने इसमें नोट नहीं किया, पर यह है कि टाइम है तो मैं बता देता हूँ। एफ इक्वल टू क्या होगा? एम ए इंटू डी। ओके, एम का तो एम रहेगा डायमेंशन, ए, एक एक कैसे निकाले थे आप, याद है? डिस्प्लेसमेंट को टू टाइम्स आपने डिफरेंशिएट किया था, याद है? तो उसका कुछ यूनिट कैसा आ रहा था, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। एम तो एम ए, एम मीटर पर सेकेंड है, ये तो मास हो गया ना, कैपिटल एम कीजिए इसको, कैपिटल एम, एम मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और डी का भी क्या होता है? मीटर। चलिए तो डी लिख करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कैपिटल एम हो गया, क्योंकि एम मास वाला, ए मीटर, मीटर मीन्स लेंथ वाली चीज ना, लेंथ, और ए भी लेंथ है, डिस्टेंस भी क्या होता है? डी, डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट, एल। और एस का क्या होता है? टाइम, हम टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर। ओके, तो क्या आ रहा है? एम, कहीं आपने देखा होगा कुछ इस टाइप की चीजें, एल स्क्वायर टी टू माइनस, टी माइनस माइनस टू, एम एल एल पर पावर टू टी माइनस टू। क्या होगा? डायमेंशन ऑफ इसका वर्क का, ये पूछा होगा, आप नोट कर लें, एम एल टी एल स्क्वायर और टी पर पावर माइनस टू, ये क्या हो गया आपका डायमेंशन, ए वाली, ये आप नोट कर लें। कहीं मैंने देखा था तो मैं बताना जरूरी मैंने समझा। यूनिट तो इसका क्या हो गया? जूल और अर्ग, जूल एसआई यूनिट, अर्ग सीजीएस यूनिट। एक अर्ग इक्वल टू -10^-7 जूल, वेरी कॉमन क्वेश्चन है, अरे सबको जानना भी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे या ना पूछे। और ये डायमेंशन कुछ पूछा हुआ है, एम एल टू माइनस टू, क्लियर सबको है? जी सर। तो एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने दिया, इसको बनाए, सिंपल है।
एग्जांपल है, ए मैन अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 700 न्यूटन टू क्रिएट पुशेज डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर। देखिए फोर्स लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कुछ 200 सेंटीमीटर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि जो एफ डी कॉस थीटा था यानी कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो का मान क्या होता है 1, यानी कि कॉस हमको लेना ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा ये एग्जांपल बनाया है, देखें बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमसे सर प्लीज वो स्टैटिक्स और ग्राफ्स का सर टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन करना सर। स्टैटिक और ग्राफ वाला? जी सर, जी सर। हाँ तो इसके ये हो जाता है तो फिर मैं उस पे आ जाऊंगा, ठीक है जी सर। ओके सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी सर। जी सर हाँ, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फिर हम उस पे आते हैं। सर 140 जूल ये कंप्लीट ही होने को है, देन आफ्टर स्टैटिक या ग्राफ जिसको कंफ्यूजन है पूछ लेना। अपने क्वेश्चन उतार लिया होगा तो देखिए क्या है, एफ क्या है 700, चूंकि 200 सेंटीमीटर है तो हमको मीटर में बदलना होगा, तो 200 सेंटीमीटर मींस 2 मीटर इनटू कितना आ जाएगा 1400 1400। ओके 1400 जूल, जूल होगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ एंगल का चक्कर रहता था कॉस 30 या ये सब होता, लेकिन हम एंगल वाला नहीं लिए हैं, जरूरत नहीं है, बाकी आप जानते हो कॉस 30 कॉस 60 ये सब। एंगल 0 डिग्री होगा ना सर एंगल? हाँ बिल्कुल जीरो, क्योंकि फोर्स देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक ठीक सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, कहीं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में भी दूसरे डायरेक्शन में एंगल पे, तो एंगल जो दिया रहेगा वो हम डालेंगे कॉस, देखिए इस ए फार्मूला का यूज करेंगे हम, एफ डी कॉस थीटा। तो आपको यूनिट ध्यान रखना है जो भी है सीजीएस और एसआई और देन आफ्टर डायमेंशन, एग्जांपल से मैंने क्लियर कर दिया। ओके जो वर्क की बात आई है तो पावर की बात हम कर लें, पावर इज वर्क पर यूनिट टाइम, इसका यूनिट क्या है वाट, वाट कैसे आया, देखिए वर्क का क्या होगा यूनिट जूल और टाइम का सेकेंड यानी कि जूल पर सेकेंड, वाट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड। ओके डायमेंशन की बात करें तो क्या है वर्क का, एम एल टू टी माइनस टू, इसका डायमेंशन क्या है एक सेकेंड एक्स्ट्रा आ गया ना, देखिए जूल एम एम होगा एल टू टी माइनस टू था ना, टी माइनस टू और सेकेंड एक और आ गया, यानी कि एक टाइम और नीचे आ जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, टी नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है अंडरस्टैंड? हाँ एम एल टू टी माइनस थ्री, इसलिए कि वाट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड, एक टाइम का डायमेंशन एक्स्ट्रा नीचे आ गया जिसको हम ऊपर ले गए, तो ऊपर माइनस में जाएगा ना, ठीक है तो ऊपर ले गए तो माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है। तो यूनिट और डायमेंशन ध्यान रखें और याद भी रखिए, और कैसे निकाले हैं उसको भी याद रखना है, अगर ये निकालने का प्रोसेस आपने समझ लिया तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, और एटलीस्ट वर्क का आप पावर का सब के याद रखें। समझ में आ रही है यूनिट और डायमेंशन? तो पावर का एक फार्मूला वर्क अपॉन टाइम, दूसरा फार्मूला एफ इंटू क्या था वर्क क्या था एफ इंटू डी, टाइम इज नथिंग बट डी टी, डी क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है वी, एफ इंटू वी, दूसरा फार्मूला पावर इज एफ इंटू वी, दूसरा फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, इसका यूनिट ये है डायमेंशन ये है, आपको यूनिट डायमेंशन फार्मूला सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। पावर तो छोटे मोटे वर्क के लिए जो पावर यूज होता है वो तो जूल पर सेकंड या वाट में रहता है, तो हैवी मशीनें आती है उसको हम सिर्फ नॉर्मल पावर में नहीं दिखा सकते हैं, नॉर्मल वाट में,
तो उसको हॉर्स पावर कहते हैं, जो जाती है मोटर वगैरह या जनरेटर, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, ऑब्जेक्टिव फेमस क्वेश्चन है, कोई बताएंगे? 746। हाँ वेरी नाइस, 746। ये हमको भी नहीं पता था, किन्होंने बता दिया, धन्यवाद। 746 वाट। ठीक है, क्लियर है। अब किनको स्टैटिक्स का आना था? स्टैटिक्स वाले कौन है? ये देखिए स्टैटिक्स, स्टैटिकल ऑपरेशन, मीन मेडियन मोड और रेंज। समझ रहे हैं सब? मीन मेडियन मोड रेंज, मीन मींस एवरेज, मेडियन मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो बीच वाला टर्म। ध्यान रखें, हमको मीन निकालने के लिए अरेंज नहीं करना पड़ा। देखिए हमने सबको सिंपल जोड़ दिया है। किसी का स्पीकर है, बंद करें। ये पहले यही एग्जांपल था, 16 मैंने नहीं रखा था। मीन मींस देखिए सबको मैंने ऐड कर दिया है, डिवाइडेड बाई जितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 65/7, 9. समथिंग आएगा, वो आप निकालना। मीन मींस ये है, लेकिन मेडियन के लिए हमने देखिए अरेंजिंग ऑर्डर में सजाया है। देखिए मींस सबसे छोटा पहले, फिर बाद में असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करके, 5, 7, 7, 9, 11, तो इसमें बीच का टर्म, देखिए टोटल 7 टर्म है, मीन से बीच का टर्म 9 होगा। तो क्या होगा मीडियन? 9। कौन थे स्टैटिक पूछने वाले? जी सर, हाँ सर, समझ में। आपको क्या मीडियन में कंफ्यूजन था? नहीं सर, इधर कुछ कंफ्यूजन नहीं सर, ग्राफ्स का थोड़ा पढ़ना था, ये तो मीन मीडियन। अच्छा हो गया था, तो हम ग्राफ पे आए। जी सर, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं सर, क्योंकि 10 मिनट अगर उनको किसी को टॉपिक पढ़ना है तो वो उनका बोले, बाकी मेरे को सर ग्राफ्स का थोड़ा। हाँ नहीं, किन्हें स्टैटिक और ग्राफ का बोला था? जी सर मैंने ही बोला था सर। तो बता दीजिए स्टैटिक का, क्या बता दें स्टैटिक अभी, मीन और ये मीडियम। मीडियम हाँ, तो मीन तो निकाल लेंगे आप? जी सर। हाँ नहीं सर, एक बार बता दीजिए सर, एक बार मीन मींस एवरेज, एवरेज औसत, औसत सुना है ना आपने? यस। हाँ तो औसत निकालना मींस क्या, सारे राशियों का योग बटा राशियों का, जितने राशियां हैं वो हिंदी में बता रहा हूँ, कितने हैं, 12 + 7 + इतना। मीडियन का सर दो एग्जांपल दे दो तो समझ में थोड़ा इनको सबको। मीडियन का देखिए ये वाली है ना, इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, सबसे छोटा पहले, देखिए 5 हमने उठाया, देखिए 5, 7 उठाया, 7, फिर और दूसरा देखिए 7 है, फिर 7, फिर 9, फिर 11, देखिए 11, फिर 12 और फिर 14। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है, मीडियन निकालना हो तो ध्यान रखना है। उसके बाद बीच का टर्म, बीच का टर्म कैसे आप निकालेंगे, 7 टर्म है टोटल, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि चौथा टर्म, 3 इधर से 3 इधर से, यानी कि चौथा टर्म कौन सा है, 9 मीडियन। हमने एक एग्जांपल दिया था आपको कि ये तो 7 टर्म है, तो आपने चौथा टर्म मिडिल कह दिया, क्यों, 3 इधर 3 इधर, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 हो, जैसे माना कि हमने 16 दिए थे यहाँ एग्जांपल, एक 16 रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 16 के लिए क्या किया, यहाँ पे 16 आएगी ना, असेंडिंग ऑर्डर में 16 आएगा, तो आपका देखिए बीच का टर्म कौन सा होगा, देखिए 3 इधर और 3 इधर, देखिए पहला से लास्ट क्रॉस करेंगे, दूसरा से लास्ट दूसरा, तीसरा से लास्ट तीसरा, तो बचा क्या क्या, 9 और 11, ये दोनों बीच का टर्म बचा ना, एक नहीं बीच का टर्म होगा, 2 बीच के टर्म होंगे ना, समझ रहे हो आप लोग हमारी बात? यस सर। हाँ तो 9 और 11 2 टर्म होंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास 8 टर्म हो गए, अगर ऑड रहे तो हमें कह सकता हूँ कि चौथा टर्म मेरा मिडिल टर्म है, लेकिन इवन नंबर हो गया ना 8, तो 3 इधर 3 इधर, बाकी बचे बीच में 2, 9 और 11, तो 9 और 11
मीडियन के लिए बीच का टर्म होगा, तो कैसे निकालेंगे हम मीडियन? 9 + 11/2 ए, ये ध्यान रखना है। सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है स्टैटिकल ऑपरेशन, स्टैटिकल ऑपरेशन में मीन मीडियन मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 + 11 मतलब 20/2 मतलब 10 आंसर होगा ना जी सर। इसमें ए वाली टिक लगाएंगे, ए बी सी डी और डी, ये 10 जो आंसर है वो। अगर 16 नहीं होता तो 9 आंसर होगा, 16 आने पे ये बीच वाले का एवरेज निकालना है आपको मीडियन निकालने के लिए, तो आंसर 10 होगा। ठीक है, जिनको मीडियम में कंफ्यूजन था, ठीक है जी सर। जी सर, अब सर थोड़ा ग्राफ सर चलिए हो गया इसका। हाँ अच्छा, और फिर मीडियम के बाद मोड, मोड मींस मैक्सिमम नंबर टाइम्स। कोई दो बार कौन आया, तीन बार कौन आया, तीन बार कोई नहीं आया, दो बार कौन आया, सात आया, इसलिए 7 होगा आंसर। क्या होगा? 7 जी सर। रेंज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 16 पहले नहीं था मेरे एग्जांपल में, तो 14 - 5 मींस 9, और अगर 16 रखते हैं तो 16 - 5 मींस 11, ठीक है? तो रेंज क्या होगा? 11, ठीक है। ग्राफ में क्या कंफ्यूजन है देखिए, कांस्टेंट ग्राफ समझ में आया? कांस्टेंट ग्राफ कैसे? तो माना बाई इक्वल टू 2 है, बाई इक्वल टू हमेशा 2 रहेगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, तो बाई इक्वल टू 2 कहां पे आएगा? देखिए बाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, देखिए मैं यहां ड्रा कर रहा हूं, यहां पे 2, तो बाय इक्वल टू 2 मींस हमेशा 2 रहेगा, 2 मींस ऐसा ये लाइन सीधा होगा। हां बोलिए जी सर। ये इन ग्राफ में सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन ये कोई एग्जांपल आप जो एग्जाम में आया है पहले, तो उसको सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो तो अच्छा रहेगा। ए आया है, इसका शेप क्या है जी सर? इसमें दिक्कत नहीं है सर, वो थोड़ा जैसा अपना या तो कोई पोजीशन रिलेटेड ग्राफ आता है वो अलग टाइप का आता है, इसमें वैल्यू पूछता है, वो थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा रहता सर। हाँ हाँ, तो जैसे क्वेश्चन कभी पहले कभी आया वो कोई एग्जाम में? ये क्वेश्चन देखिए आया है, y इक्वल टू x स्क्वायर, सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी सर। ये पैराबोलिक है ना जी सर? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें मोड वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है सर? हाँ, मोड वाले में, लीनियर वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है सर? लीनियर वाले में कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए जी सर। इनमें कोई दिक्कत नहीं सर, मैं एक सिंपल एक क्वेश्चन ऐसा जानना चाहता हूँ जो था। और लिनियर ही दूं या फिर कोई एक्सपोनेंशियल? सर कोई भी आप जो एग्जाम में है कोई भी एक्सप्लेन कर दो, सबको थोड़ा समझ में आएगा, एक हाँ। एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा उसमें। हाँ, एग्जाम में जैसे आया है, ये तो आया था डिफरेंशिएशन का आया था, वो शेप आपको निकालना आया था, और मॉडुलस का आ सकता है ना? जैसे ये बाई इक्वल टू माना 2^x, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कुछ कैसा इसका ड्रा होगा, चूंकि ये 2 पॉजिटिव है और इसका वैल्यू कुछ भी रखें, इसको निकालेंगे कैसे? अगर ग्राफ ड्रा करना हो तो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो एक्स का वैल्यू 0 से लेके आगे बढ़ाएंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 हमेशा क्या इसका वैल्यू बढ़ेगा, चूंकि स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ये होगा। 0 पे क्या होगा? देखिए एक्स 0 रखने पे 1 आएगा ना जी सर, एक्स 0 रखने पे 1 आएगा, और 0 से बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, तो कुछ ऐसा बढ़ेगा ऐसा, और कम करेंगे जैसे -2 - 3, तो -2 करने पे क्या होगा? 2^-2 यानी कि 1/2 स्क्वायर, देखिए छोटा हो जा रहा है, 1 से छोटा होता जा रहा है ना, 1/4 यानी कि ऐसा, ये x से नेगेटिव करेंगे x तो कुछ कम होता जाएगा, 1 से कमता जाएगा ग्राफ ऐसा। तो ये है कि सिंपल वे में खींचे ड्रा करें तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा लाइन हमारी वो डबल ट्रिपल हो रही है, मैं यहाँ खींचता हूँ उसको,
कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, ये वाली। इसमें पूछा जा सकता है कि कैसा इंक्रीजिंग है ग्राफ या डिक्रीजिंग है, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, बताएंगे डोमेन क्या है रेंज क्या है। जी सर वो कर लेंगे सर। हाँ डोमेन क्या है, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, डोमेन के लिए एक्स एक्सिस देखते हैं, ठीक है जी सर। माइनस और रेंज क्या है, जीरो टू इनफिनिटी, क्योंकि इस एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, जीरो भी ओपन होगा, ओपन इंटरवल में आएगा, मीन्स जीरो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जीरो टू इनफिनिटी। सर एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसा आएगा सर? जैसे पूछा ना शेप क्या होगा, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। इंक्रीजिंग मीन्स x का वैल्यू बढ़ाने पे क्या बढ़ रहा है वैल्यू? जी सर जी सर। x का वैल्यू बढ़ाने पे y का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं? जी सर जी सर। देखिए इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है जी सर। तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, देन आफ्टर इसका शेप क्या है। जैसे देखो क्वाड्रेटिक का मैंने बताया शेप क्या है, पैराबोलिक। आपको किस किस पॉइंट पे कट करता है, देखिए किस पॉइंट पे कट करता है भी पूछ सकता है, एक एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड क्या, रूट्स पूछ रहा है। वो टर्म अलग है, टर्मोलॉजी अलग है, लेकिन पूछ रहा है रूट्स आपसे। आपसे पूछेगा कि y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 कटेड्स x एक्सिस कट्स x एट पॉइंट, चार ऑप्शन दिया रहेगा। मतलब क्या, x एक्सिस पर टच करना मींस y इक्वल टू 0 ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कहां पे टच करता है, कहां से। देखिए ये डिक्रीजिंग है, देखिए यहां से यहां तक, कहां से, माइनस इनफिनिटी, x का वैल्यू माइनस इनफिनिटी से लेकर x का वैल्यू 0 तक डिक्रीजिंग है, और 0 से लेकर प्लस इनफिनिटी तक क्या है, इंक्रीजिंग है, फिर सॉरी डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, मींस क्या ये, और ये कैसा शेप, पैराबोलिक शेप। थैंक यू सर। अभी किसी का कोई और प्रॉब्लम हो सर एक बार उनसे भी पूछ लीजिए, थोड़ा टाइम थोड़ा वेस्ट किया उसके लिए सॉरी सर। अरे नहीं नहीं, आपको पूछना है जो भी डाउट है पूछे। इसमें सर, मैंने जो भी क्लास है सर तो पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए, आप पूछ सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो मैंने कवर कराए हैं। जी सर जी सर। चाहे वो फंक्शन से रिलेटेड हो, आपका स्टैटिक्स से हो, या फिर आपका यूनिट डायमेंशन हो, या फिर आपका इससे हो, ज्योमेट्री से हो, ज्योमेट्री के सब चीजें हैं, जो सिलेंडर वगैरह ये तो पूछा गया। देखिए सरफेस स्फीयर वाला और भी टॉपिक पूछा गया सर। एक क्वेश्चन मैं सर आपको मतलब व्हाट्सएप पे अगर हो तो सर मैं एक भेजता हूँ क्वेश्चन आपको। हाँ। अगर उससे रिलेटेड आप थोड़ा कोई गाइड करोगे तो अच्छा है सर। हाँ मैं नंबर अपना लिख देता हूँ, अगर मैथ से रिलेटेड किसी को कोई डाउट आए तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी सर। टॉपिक बचा है क्या अभी? ओके थैंक यू सर। नहीं टॉपिक मैंने सारे कवर करा दिए। ओके ओके ओके। आपको लगा नहीं होगा लेकिन मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया। नहीं नहीं सर, मैं अगर टॉपिक बचा हो तो कम से कम टॉपिक बता दीजिए, हम पढ़ लेंगे। नहीं टॉपिक टॉपिक ये दो ही बचे थे तो कवर हो गए वो। हां बाकी सारे टॉपिक तो लगभग सारे कवर कराए हैं। आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ मेरा नंबर है, देखिए मैंने लिखा है। जी सर एक सेकंड सर, एक कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या इसको? नहीं नहीं सर, नंबर आपका नंबर लिया है सर एक। हाँ, आपको मैं क्वेश्चन भेजता हूँ सर व्हाट्सएप पे। बिल्कुल उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं। जी सर जी, समय मिलते ही मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भाई ग्रुप पे भी डाल देना। और किन्हीं को डाउट? ठीक है चलिए। ओके थैंक यू। और आप नंबर इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नोट कर लिया नंबर? जी सर जी सर। नंबर नोट कर लिया। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.